इस वीडियो में हम करने वाले हैं डी ए वी क्लास सिक्स साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिविजन में हेल्पफुल होगा तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर वन राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्मी कॉम्पोस्टिंग मतलब हमें वर्मी कॉम्पोस्टिंग्स का मतलब बताना है तो इसका आंसर होगा वर्मी कॉम्पोस्टिंग्स इज द प्रोसेस ऑफ कम्पोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ वेरियस लाइक द रेड एंड द अदर अर्थ वार्म मतलब वर्मी कंपोस्टिंग एक खाद बनाने का प्रोसेस है जो कि वार्मस के जरिए किया जाता है जैसे रेड वार्मस और अदर अर्थ वॉम्स क्वेश्चन नंबर टू वाई डू बेफेलोज कूल देम्सल्स इन वाटर ड्यूरिंग समर मतलब बेफेलोज गर्मी के दिनों में अपने आप को पानी में ठंडा क्यों करती हैं आंसर इज बेफेलोज कूल देम्सल्स इन वाटर बिकॉज दे आर ब्लैक इन कलर एंड डू नॉट हैव एफिसेंट स्वीट ग्लैंड हिंस दे कूल देम्सल्स इन वाटर टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर मतलब बफेलो काली कलर की होती हैं और उनके पास पर्याप्त स्वीट ग्लैंड्स भी नहीं होता है जिसके कारण पसीना आता है इसी कारण वो अपने आप को कूल करती हैं ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट व्हाई शुड वी टेक ए बैलेंस्ड डाइट मतलब बैलेंस डाइट क्या है और हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए आंसर इज ए डाइट डेट कंटेंस ऑल द न्यूट्रिशंस इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट वी शुड टेक बैलेंस डाइट फॉर ग्रोथ फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज फॉर रीप्रोडक्शन एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस मतलब एक डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो वो भी राइट प्रोपोर्शन में उसे बैलेंस डाइट कहते हैं मतलब ये नहीं कि फल ज़्यादा हो और सब्जी कम सबका एक प्रोपोर्शन हो लिमिट हो और हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए अपने ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन के लिए और अपने आप को इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर वाई डू मेटेरियल्स डिफ्यूज इन टू ईच अदर मतलब मटेरियल्स डिफ्यूज़ क्यों होते हैं फैलते क्यों हैं आंसर इज मटेरियल्स डिफ्यूज इन टू इच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन मतलब मटेरियल डिफ्यूज़ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका जो पार्टिकल होता है वो हमेशा मोशन में होता है आप देखे होंगे अगरबत्ती का धुआं डिफ्यूज होता है मतलब फैलता है क्यों क्योंकि हवा का पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है और अगरबत्ती का पार्टिकल्स भी मूव कर रहा है इसी कारण वो दोनों डिफ्यूज हो जाते हैं दूर तक फैल जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव डिफ्रेंसिएट बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच मतलब हमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का डिफरेंस बताना है और दोनों के दो दो एग्जांपल देने हैं आंसर इज सब्सटेंसेस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट वाइल मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन एग्जाम्पल एयर एंड सी वाटर मतलब प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक प्रकार का पार्टिकल होता है जैसे चीनी और नमक और जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो उसे मिक्सचर कहते हैं जैसे एयर और सी वाटर एयर में भी बहुत सारे सब्सटेंस है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और सी वाटर में भी सॉल्ट है वाटर है और सैंड है इसलिए वो मिक्सचर है क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्जिबल एंड इिवर्जिबल चेंजेस मतलब हमें रिवर्जिबल और इ रिवर्जिबल चेंजेस का दो दो डिफरेंस बताना है आंसर इज़ रिवर्सिबल चेंज वन ए चेंज विच कैन बी गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म सेकेंड दीज आर टेम्प्ररी चेंजेस विच कैन बी रिजर्व वन द कॉज ऑफ द चेंज इज़ रिमूवड इ रिवर्जिबल चेंज नंबर वन ए चेंज विच कैन नॉट गेट बैक टू द ओरिजनल फॉर्म सेकेंड दिज आर परमानेंट चेंजेस विच कैन नॉट बी रिजर्व इवन इफ द कॉज ऑफ़ द चेंज इज़ रिमूव्ड मतलब ऐसा चेंज जो अपने ओरिजनल फॉर्म में वापस हो जाए उसे रिवर्सिबल चेंज कहते हैं और ये टेम्प्ररी चेंज होता है जो कि अगर चेंज का कॉज हटा दें तो वो वापस ओरिजनल फॉर्म में चला जाएगा जैसे मान लीजिए मैंने एक रबड़ को घींचा तो उसका चेंज इन सेप हुआ उसका सेप चेंज हो गया तो उस चेंज का कॉज क्या था घींचना अगर मैं घींचना छोड़ दूँ तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा लेकिन इरिवर्सिबल चेंज अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं जा पाएगा क्योंकि ये परमानेंट चेंज होता है मान लीजिए मैंने एक पेपर को जला दिया अब हम राख से पेपर नहीं बना पाएंगे तो ये होता है इरिवर्सिबल चेंज क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच मतलब हमें रेस्ट और मोशन का डिफरेंस बताना है और दोनों के दो दो एग्जाम्पल देने हैं आंसर इज मोशन इंप्लाइज अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद टाइम एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ एंड मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन रेस्ट इंप्लाइज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद टाइम एग्जाम्पल बोटल कैप्ट ऑन द टेबल एंड अ फिक्स्ड वॉच मतलब समय के साथ पोजीशन का चेंज होना उसे कहते हैं मोशन जैसे अर्थ रिवॉल्यूशन करता है वो मोशन में है क्योंकि उसका पोजीशन समय के साथ चेंज हो रहा है या फिर फैन का ब्लेड पंखी जो कि घूमते रहता है उसका भी पोजीशन चेंज होते रहता है समय के साथ लेकिन जो समय के साथ जिसका पोजीशन चेंज ना हो उसे रेस्ट कहेंगे जैसे एक बोतल पड़ा है टेबल पर तो वो रेस्ट में है या फिर एक फिक्स्ड वॉच मतलब दीवाल घड़ी देख लीजिए आप वो भी चिपका रहता है हिलता डुलता नहीं है समय के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है तो वो रेस्ट में है क्वेश्चन नंबर एट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हैट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप का डिफरेंस बताना है आंसर इज विच मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स वाइल्ड विच कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो पौधे जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं उस पौधे को हम हैट्रोट्रॉप्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म पॉलिनेशन मतलब हमें पॉलिनेशन का मीनिंग बताना है आंसर इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन मतलब एंथर से लेके स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर को पॉलिनेशन कहते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर टेन डिफाइन रूट सिस्टम गिव टू फंक्शन ऑफ रूट्स मतलब हमें बताना है कि रूट सिस्टम क्या है और उसके दो फंक्शन देने हैं मतलब उसका काम क्या है आंसर इज़ रूट सिस्टम इज़ डैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज़ बिलो द ग्राउंड टू फंक्संस ऑफ रूट्स आर फर्स्ट इट होल्ड्स द प्लान्टू द सोइल सेकेंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सोयल मतलब पौधे का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे ग्रो होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और इसके दो फंक्सन हैं पहला ये प्लांट को मिट्टी के साथ पकड़ के रखता है होल्ड्स करके रखता है दूसरा ये मिट्टी में से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है नाउ टॉप फाइव इनसाइड questions. क्वेश्चन नंबर वन What इज मैटर आंसर इज anything which विच हैज़ मास एंड a स्पेस इज कॉल्ड मैटर मतलब कुछ भी जिसके पास मास हो और वो कुछ स्पेस ऑकुपाई करता हो मतलब कुछ जगह लेता हो उसे मैटर कहते हैं मतलब कुछ भी जो आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब मैटर है क्योंकि वो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और उसमें कुछ मास है जैसे टेबल चेयर एट्सेट्रा क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है आंसर इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम नेक्ड आइज इज़ कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो खुली आंखों से नहीं देख सकते नेक्ड मतलब होता है नंगी मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज रस्ट हाउ इट इज फॉर्म्ड मतलब रस्ट क्या है और ये कैसे फॉर्म्ड होता है

क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट आर एटोमाटा मतलब इस्टोमाटा क्या है आंसर इज एसटोमाटा आर द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स व्हिच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब एस्टोमाटा छोटे छोटे छेद हैं टाइनी पोर्स हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे होते हैं पत्तों पे होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव वाट इज़ हार्वेस्टिंग मतलब हार्वेस्टिंग क्या है एंसर इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ रिपेंट क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग मतलब पके हुए फसलों को काटना और इकट्ठा करने को हार्वेस्टिंग कहते हैं